भाई अभी अभी अचानक यहाँ पे ट्रेन का चेन पुलिंग कर दिया गया है, लोग दौड़ के पीछे जा रहे हैं। देखिए सभी लोग अपनी ट्रेन से बाहर निकल गए हैं और बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। कोई देखते हैं क्या हुआ है, क्यों आखिर ट्रेन यहाँ पर चेन पुलिंग किया गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन्स के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हमें अचानक मुंबई से दिल्ली के लिए निकलना पड़ रहा है। तो हमारी जर्नी शुरू होने जा रही है मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से दिल्ली के दिल्ली सराय रोहिल्ला तक। और दोस्तों जो ट्रेन नंबर है वो है 22949, यानी कि BDTS बांद्रा टर्मिनस से वो दिल्ली के लिए जाती है। और हफ्ते में एक दिन यानी बुधवार को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से वो खुलती है। फिलहाल हम अपनी इस वीडियो में पूरा जर्नी दिखाने वाले हैं कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए चलती है और किस किस स्टॉपेज पे रुकती है और उसके अंदर की फैसिलिटी क्या है। फिलहाल इस ट्रेन में मैंने थर्ड एसी का टिकट लिया है, तो देखेंगे कि जो BDTS ट्रेन है इसका थर्ड एसी की फैसिलिटी क्या क्या होती है। फिलहाल हमारे पीछे बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, इधर भी देख सकते हैं, ये जो लोकल रेलवे स्टेशन है ना उससे थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो आइए अब हम रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारी ट्रेन जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। तो चलते हैं, बैठते हैं, फिर आपको ब्लॉग आगे कंटिन्यू दिखाते हैं। तो गाइज फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे हमारी ट्रेन लगी हुई है जो बाकी बांद्रा टर्मिनस से दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए जाती है। ट्रेन संख्या है 22949 और इसके खुलने की टाइमिंग है 12:15 पर। ये हर बुधवार को मुंबई से दिल्ली के लिए चलती है। तो फिलहाल अभी टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी 10:50 हो रहे हैं और हम बांद्रा टर्मिनस पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल आप लोग इस ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि हम आपको इसके बारे में सब कुछ बता पाएँ और इसकी फैसिलिटी वगैरह सब कुछ दिखा पाएँ। तो देखिए पीछे लगी हुई है, अभी इसका गेट वगैरह भी नहीं खुला है क्योंकि टाइम अभी 12:15 होने में काफ़ी वक्त है। तो जब नज़दीक आ जाएगा टाइम 30 मिनट तब गेट वगैरह खुलेगा, तो लोग जाकर अंदर वगैरह बैठेंगे। तो मेरा भी है B1 में 51 सीट नंबर। तो चलते हैं और इंतज़ार करते हैं गेट खुलने का, फिर बैठते हैं, सफ़र करते हैं और आपको सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे। देख सकते हैं हमारे बाहरी टैक्सी स्टैंड वगैरह है, ऑटो स्टैंड है और यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी है। तो चलिए फिलहाल वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइज फाइनली हम लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ये अपर बर्थ मेरी है 51 सीट नंबर। और देखिए अंकल जी भाई, इनका मिडिल वाला सीट है और ये है थर्ड एसी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीलो उन लोगों ने रखा हुआ है। और फिलहाल मैं अपनी सीट पे अब बैठूंगा और ऊपर मैंने सामान भी रख लिया है, थोड़ा सा ही सामान है क्योंकि मैं अचानक मुझे मुंबई निकलना पड़ रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाऊं, ये बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन का व्यू है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। तो वहाँ से मैंने कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया है ऑलरेडी, ताकि थोड़े दूर के लिए आराम मिल जाए। तो गाइस फाइनली 11:15 हो गए हैं और ट्रेन की खिड़कियाँ दरवाजे खुल चुके हैं भाई, और मैंने भी अपना सारा सामान अंदर रख दिया है। और एक घंटे में ये ट्रेन यहाँ से खुल जाएगी। तो चलते हैं, कुछ खाने पीने वाला थोड़ा सामान ले लेते हैं, पानी वगैरह ले लेते हैं ताकि फिर कहीं दिक्कत ना हो। वैसे तो ट्रेन में सब कुछ मिलता है लेकिन फिर भी लेकर रख लेते हैं। तो फाइनली गाइस 12:16 हो रहे हैं और हमारी जो ट्रेन है वो बांद्रा स्टेशन से खुल चुकी है। एकदम टाइमली ये ट्रेन यहाँ से खुली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नेक्स्ट डे यानी अर्ली मॉर्निंग को 11:30 दिल्ली हमें उतार देगी। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो खुल चुकी है और इधर का कुछ सीन ये है भाई साहब, इधर टॉयलेट वगैरह है। तो हमारा B1 कोच में है सीट भाई। तो गाइस ये है बाथरूम, देख सकते हैं आप लोग, इधर बहुत बड़ा सा कांच लगा हुआ है। और ये है सीट भाई, काफ़ी साफ सफाई है, प्लस करने के लिए उधर दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं ये डोर। तो ये है इसका बाथरूम जो कि काफ़ी अच्छा है। तो गाइस फाइनली 2 से 3 घंटे जर्नी करने के बाद हम आ पहुँचे हैं गुजरात के सूरत शहर यानी सूरत प्लेटफॉर्म पे, सूरत के। यहाँ पर देखिए 3:33 हो रहे हैं और ये है सूरत का रेलवे स्टेशन जहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। अभी यहाँ से कुछ ही देर में ये निकल भी जाएगी। फाइनली गाइस सूरत रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन जो है वो खुल चुकी है। मुश्किल से यहाँ पर 5 से 10 मिनट का स्टॉपेज था और हमारी ट्रेन निकल चुकी है। देखिए यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सूरत का बोर्ड लगा हुआ है। काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन है ये। दोस्तों आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, सूरत के आगे पड़ता है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं
बड़ौदरा जंक्शन पर, और देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा, ये है बड़ौदरा रेलवे प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर देखिए साइड में बड़ौदरा लिखा हुआ भी है जहाँ पर अभी हम उतरे हुए हैं। हमारी ट्रेन यहाँ पे हॉर्न भी दे दी और यहाँ पर निकल भी चुकी है। और ये है बड़ौदरा का रेलवे स्टेशन का नज़ारा। हर रेलवे स्टेशन पे भाई इसी तरह भीड़ रहती है। यहाँ पर देखिए बड़ौदरा का बहुत ही बड़ा यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है। सभी लोग उतर गए। तो गाइज इधर पता नहीं कुछ हुआ है, चैन पुलिंग हुई है, बहुत तगड़ा ब्रेक लगा है। और देखो उधर लोग नीचे उतर के दौड़ के जा रहे हैं भाई। उधर पीछे कुछ तो हुआ, ये देखो सभी लोग निकल निकल के पीछे की तरफ ही झांक रहे हैं। पीछे क्या हुआ है अभी मैं आगे आपको बताता हूँ पता करके। फिलहाल उधर मेरे को भी चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आखिर हुआ क्या है, क्यों सभी लोग पीछे उतर गए हैं। और जैसे बड़ौदरा जंक्शन से ये ट्रेन आगे निकली ना, अचानक यहाँ पे ट्रेन इतनी तगड़ी रुकी, इतना तेज़ झटका लगा जैसे लगा कि किसी ने ट्रेन को आगे से रोक दिया हो अचानक। इधर देखो आगे भी लोग उतर चुके हैं। इधर देखो ये जनरल डिब्बे के पास लोग सभी लोग उतरे हुए हैं भाई। क्या हुआ है आगे बता रहा हूँ आपको, पूरा मैं उधर चलता हूँ फिर पता करके बताता हूँ। ये देखो अंकल भी उससे पूछ रहे हैं आखिर हुआ क्या है। तो गाइज इधर देखो सभी लोग उतरे हुए हैं और उधर कुछ लोग दौड़ के भी जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, पता करने के बाद पता चला है कि एक लोग थे जो सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, उनका बच्चा ना बड़ौदरा रेलवे स्टेशन पर ही छूट गया। और वो अपनी वाइफ के साथ सफ़र कर रहे थे और उसके बाद अचानक उन्होंने ट्रेन का चैन पुलिंग किया और उसके बाद अपने बच्चे को लेने गए हैं। लेकिन ये ट्रेन ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं, अभी ये ट्रेन तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। उनका बच्चा ना रेलवे स्टेशन पर ही छूट गया। और ये ट्रेन तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है 5 मिनट ही वहाँ पर रुकी थी और फिर हमारी ट्रेन खुल गई है। पता नहीं वो बेचारे आ भी पाए या नहीं आ पाए, इसकी तो मेरे को कोई सूचना नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर भाई साहब अपने देश के आर्मी का टैंक वगैरह, उनकी गाड़ियाँ वगैरह इस मालगाड़ी पर लदी हुई है। ये देखो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ भाई, ये देखो पूरा आर्मी की गाड़ियाँ यहाँ पे, ये जितने लोग आर्मी वाले बैठ के इस पर जाते हैं ना, अभी पीछे भी गाड़ियाँ हैं पूरा भाई, लंबी कतारें लगी हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं सारे हमारे जवान और इस पे जवान लोग भी मौजूद हैं। ये देखो भाई ये गाड़ियों का काफिला देखो, हमारे देश के जवानों का, बड़ौदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे इधर देखो बैठे हुए हैं कुछ लोग, आगे भी है अभी भाई। काफ़ी लंबी है ये ट्रेन क्योंकि ये पूरा काफिला ना जम्मू कश्मीर जा रहा है और कुछ झारखंड के लिए जा रहे हैं नक्सलवादी एरिया की तरफ। ये देखो भाई यहाँ पर देखो ये टैंकर लगे हुए हैं जो ढके हैं ना, ये सब टैंकर हैं। ये देखो ये सारी गाड़ियाँ हमारे आर्मी जवानों की हैं। यहाँ तक भाई पूरी गाड़ियाँ, भाई साहब क्या बात है, देखें क्या बढ़िया सीन था भाई, आर्मी का यहाँ पर टैंकर देखने को मिला। तो भाई जब हम भी ले चुके हैं यहाँ पे अमूल कूल का दूध और केक जो कि गोविंद का दूध है। ये केक बहुत ही बेहतरीन यार, 30 रुपीज़ का है और ये तो 30 रुपीज़ का ये भी है। तो फिलहाल थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, ऊपर हम अपनी सीट पे लेटे हुए हैं, नीचे लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी ऑफर वर्थ मिलना ठीक है यार, एक तरफ से लेट के आराम से चलो। और इधर देखो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेशन जो है वो पहुँचने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बाजू से ही कोई ट्रेन यहाँ पर निकल रही है काफ़ी धीरे धीरे, यहाँ पर ट्रेन क्रॉस कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। ये ट्रेन जैसे ही निकलेगी हम लोग भी अगले स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। और भाई इधर देखो कैसे लोग लटक के बैठे हुए हैं जनरल डिब्बे में, ये देखो पूरा जनरल डिब्बा भरा हुआ है यार। ये देखो खचा खच यात्रियों से भरा है, ये देखो खिड़कियों पे लटक लटक के लोग बैठे हैं जनरल डिब्बे में। और अभी हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और अभी यहाँ पर धीरे धीरे ना अंधेरा भी होने लगा है, सारी लाइटें यहाँ पे जला भी दी गई हैं। देखिए स्टेशन की सारी लाइटें जल गई हैं। इधर देखो गाइस अहमदाबाद जंक्शन का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और अभी हम भी फाइनली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। अभी हो रहे हैं शाम के 7:20 और हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन और हमारी ट्रेन ये सामने है आपके देख सकते हैं। भाई साहब स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है और इधर देखो ये देखो भाई क्या नज़ारा भाई, कोई किला वगैरह है, बहुत मस्त इधर का नज़ारा। और ये है अहमदाबाद जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है, उधर खाने पीने का सामान मिल रहा है देख सकते हैं। और हमारी ट्रेन ये खड़ी हुई है, जस्ट अभी अभी रुकी है, देखते हैं कितना देर का यहाँ पे स्टॉपेज रहता है। काफ़ी यात्री यहाँ के लिए
मुंबई से आए थे इस ट्रेन से, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर उतर भी रहे हैं देखिए, और चढ़ने की संख्या कम है, उतरने की संख्या ज़्यादा है। तो ये रहा अहमदाबाद जंक्शन, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है मुंबई से। चलिए फिलहाल उधर कुछ खाने पीने का सामान मिल रहा है तो थोड़ा सा उधर कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आपको ब्लॉग कंटिन्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन भी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन जो है वो आकर रुकी हुई थी। दोस्तों अब हो गई है रात और हमने भी खाना ऑर्डर कर लिया है। यहाँ पर 170 रुपये लिखा हुआ है थाली, लेकिन ये 150 रुपये का ही है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अब दी जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, दाल है, लड्डू है भाई बेसन के, अचार है, पनीर की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, सलाद है और रोटी है। ये चीज़ हमें मिला है डिनर पर, और अभी हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइज हो चुकी है अगली मॉर्निंग और हम अभी पहुंच चुके हैं नीम का थाना, और टाइम हो रहा है भाई अभी, कितना टाइम हो रहा है आपको मैं दिखा दूँ, 7:52, और ये है नीम थाना का रेलवे स्टेशन जहाँ पे ये ट्रेन अभी रुकी हुई है। अगली सुबह की मॉर्निंग है, बस अभी 11:30 तक हम भी दिल्ली पहुँच जाएंगे। उधर देखिए सभी लोग उतर रहे हैं भाई, उधर लिखा हुआ है नीम का थाना, और इधर देखो इधर भी। तो गाइस फाइनली नीम का थाना होने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन, और ये है रेवाड़ी जंक्शन देख सकते हैं। अब यहाँ भी मुश्किल से हम जानते हैं 5 से 10 मिनट का स्टॉपेज होगा, फिर हमारी ट्रेन यहाँ से खुल जाएगी। फाइनली गाइज हम लोग गुड़गांव पहुँच चुके हैं, और ये है गुड़गांव रेलवे स्टेशन जो आप लोग देख रहे हैं। इधर देखिए ऊपर गुड़गांव लिखा हुआ है। और ये गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे अभी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रुकी हुई है। इधर का सीन देख सकते हैं। भाई यहीं पे है एल्विस यादव जी का घर, बिग बॉस OTT2 के विनर जो हैं वो गुड़गांव के ही रहने वाले हैं। फाइनली हमारी ट्रेन गुड़गांव रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है और अब हमें दिल्ली पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइनली हमारी ट्रेन जो है ना वो गाइज वो टाइमली चल रही है, काफ़ी टाइम पे है। ओ भाई साहब ये देखो यार, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दिया, और भाई साहब इतनी जहाज़ यहाँ पर खड़ी है ना, इतनी फ्लाइट्स खड़ी हैं पूछिए मत भाई। ये देखो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया में ये एयरपोर्ट बनाया गया है। इधर देखो कितनी बड़ी बड़ी जहाज़ें खड़ी हैं, कितनी बड़ी बड़ी फ्लाइट्स, हर जगह की फ़्लाइट्स भाई। इधर देखो पूरा ये एरिया, उधर देखो पूरा वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो सब फ्लाइट्स खड़ी हैं, सारा का सारा सारा पूरा फ्लाइट्स है भाई। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। ये देखो इधर भी जहाज़ें खड़ी हुई हैं। ये गुड़गांव से आगे पड़ता है भाई, गुड़गांव रेलवे स्टेशन से जैसे मैंने 5 से 10 मिनट का ट्रेवल किया ना, ये उसके आगे ही पूरा मुझे देखने को मिला। काफ़ी बड़ा एरिया में इस एयरपोर्ट को बनवाया गया है। और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली छावनी यानी कि दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, और इसके आगे वाला स्टेशन है हमारा दिल्ली सराय रोहिल्ला, और यहां से भी हमारी ट्रेन जो है वो खुल चुकी है, निकल गई है, अब हम दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। ये है दिल्ली सराय रोहिल्ला का दया बस्ती का इलाका, इसका नाम ही है दया बस्ती। और यहां पर देख सकते हैं पटरियों के किनारे कितने छोटे छोटे घर बने हुए हैं जहाँ पर लोग अपने जीवन बिताते हैं भाई। ये नज़ारा दया बस्ती का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के जस्ट आगे ना दिल्ली सराय रोहिल्ला है। ये देखिए दया बस्ती यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये है दया बस्ती का छोटा सा रेलवे स्टेशन। तो गाइज फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि अपने मेन लोकेशन पे आ चुके हैं, दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन ठीक 11:37 पर पहुँच चुकी है। बोर्ड पर लिखा हुआ आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा दिल्ली सराय रोहिल्ला, तो हमारी ट्रेन फाइनल यहाँ पर पहुँच गई। तो गाइज फाइनली हम लोग 11:30 दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँच चुके हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो अब चलिए चलते हैं स्टेशन के बाहर, और जहाँ हमें जाना है वहाँ पे निकलते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जर्नी जो कि मुंबई से दिल्ली की रही है पहली बार।
तो चलिए जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, धन्यवाद।